नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। बात करेंगे छत्तीसगढ़ के दुर्ग की, जहां भिलाई के सेक्टर 9 अस्पताल प्रबंधन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यूनियन नेता बेड़ू गोपाल की मौत के बाद शव को मर्चुरी में बंद फ्रीजर में डाल दिया गया। इससे शव 2 दिनों में डिकम्पोज हो गया। शव को जब लेने के लिए परिजन सेक्टर 9 के मर्चुरी पहुंचे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि जिस फ्रीजर में शव को रखा गया था वह फ्रीजर ही बंद था। इससे बॉडी डिकम्पोज हो गई, चेहरे के साथ साथ शरीर के अन्य हिस्सा सूज चुका था। यह देख उनके परिजन व साथी भड़क उठे। सीटू के यूनियन नेता SPD ने बताया कि सुबह से दोपहर 1 बजे तक हंगामा होता रहा। मौके पर BSP के ED, PNDA, SK दुबे पहुंचे और उन्होंने सबकी बात सुनी। योगेश सोनी का कहना है कि ED ने आश्वस्त किया है कि मामले की जांच होगी। आखिर कैसे फ्रीजर बंद हुआ, इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं थी, शव को बंद फ्रीजर में क्यों रखा गया, इन सभी बिंदुओं पर जाँच का आश्वासन दिया है। आप भी देखिए SPDA C2 के नेता व सुधीर दरिपा उप महाप्रबंधक जनसंपर्क BSP का क्या कहना था हमारे संवाददाता रवि सेन की इस विशेष रिपोर्ट में। तो दिन में 2 बार टेम्परेचर उसका चेक किया जाता है, बाकी जो है इसकी मेंटेनेंस जो है हमारे मतलब एक हॉस्पिटल में एक वर्कशॉप भी है जिसको रेगुलर इसकी मेंटेनेंस जो है शेड्यूल के हिसाब से करती है, और कोई भी इमीडिएट उसमें कोई प्रॉब्लम होता है मॉर्चुरी में तो उसको अटेंड किया जाता है। तो इस संबंध में जो है उनकी अब वो बॉडी का जो है वो डिकम्पोज होना, इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट और भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रबंधन ने जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की है डॉक्टर दवे के अध्यक्षता के इसमें, तो उसकी जब रिपोर्ट आएगी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तभी इसका उसका कुछ निष्कर्ष हम बता पाएंगे। देखिए, कल हम लोग जब हमारे उपाध्यक्ष कॉमरेड वेणुगोपाल, जिनका देहांत 23 और 24 मई की दरमियानी रात को हो गया था, उनकी पार्थिव शरीर को लेने के लिए मॉर्चरी पहुंचे तो हमने पाया कि उनका शरीर पूरी तरह डिकम्पोज हो चुका है। यह देखते ही उनके परिजन, उनके भाई और हमारे जितने भी मित्र और कॉमरेड्स हैं सभी भावावेश में आ गए। सबके अंदर काफ़ी गुस्सा आ गया, सब के अंदर बहुत वहाँ पे विरोध व्यक्त किया, और विरोध व्यक्त करने के बाद हमने प्रबंधन को वहीं पे स्पॉट पे आकर स्पष्टीकरण देने की मांग की। प्रबंधन की ओर से जो स्पष्टीकरण दिया गया, उन्होंने खेद व्यक्त किया है, उन्होंने कहा कोई तकनीकी त्रुटि है, उसके ऊपर हम लोगों का यही कहना है कि हॉस्पिटल के मॉर्चुरी के ऊपर हमको पूरा भरोसा है, क्योंकि 1 माह पहले भी इसमें इतनी क्षमता है कि 1 माह पहले भी कार्तिक राम ठाकुर जी का, जिनका 1 महीने तक बॉडी उसके अंदर रखा हुआ था, उसे कुछ नहीं हुआ था। तो जब इतनी क्षमता है मॉर्चरी के अंदर, तब सिर्फ एक किसी की त्रुटि की वजह से या किसी की लापरवाही की वजह से अगर इस तरह की घटना घट जाती है तो ये बहुत ही निंदनीय है। इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रबंधन को उचित कदम उठाना चाहिए, ताकि इतनी जो भरोसा हम लोग का बना हुआ है वो भरोसा नहीं टूटना चाहिए। R9 भारत के लिए रवि सेन, दुर्ग, छत्तीसगढ़। दुर्ग के लुचकी तालाब के पास निवासी मोहम्मद हमीद की आरोपियों ने मिलकर हत्या कर दी। पहली बार गर्दन पे किया और हमीद जमीन पर गिर गया। इसके बाद ताबड़तोड़ 3 बार उसके पेट में कर दिए, जिससे उसकी अंतड़ियां बाहर आ गईं। सूचना पर दुर्ग कोतवाली पुलिस पहुंची, शव को जिला अस्पताल के शव घर में भिजवा दिया गया। इधर 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दुर्ग कोतवाली TI राजेश बागड़े ने बताया कि लुचकी तालाब के पास की है यह घटना, और मोहम्मद हामिद घर से चाकू लेकर निकला था और पड़ोसी युवक के घर पहुंचा। नशे में उसे गाली गलौज करने लगा। उसकी हरकत पड़ोसी युवक को बर्दाश्त नहीं हुई, वह घर से बाहर निकला। गाली गलौज करते हुए पहले उसके दोनों हाथ पकड़ लिए, हामिद से चाकू को छीन लिया। इसके बाद उसी चाकू से हामिद के गर्दन पर पहला वार कर दिया, जिसके बाद यह घटना हुई है। देखिए TI कोतवाल थाना राजेश बागड़े का क्या कहना है। नीचे 6:30 बजे करीबन हमको सूचना मिली कि एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। तत्काल हम मौके पर पहुंचे और लोगों से पूछताछ किया तो पता चला कि जो मृतक है मोहम्मद हमीद, उसकी हत्या हो गई है। हत्या करने वाले उसके घर के घटनास्थल के सामने ही संतोष खेमे और उनके परिवार के लोग थे। बाद में अभी वो क्लियर नहीं हुआ कि कितने लोगों ने मारा उसको। हमने पूछताछ है तो 3-4 लोगों को थाने में हिरासत में लेकर आया, उससे पूछताछ की जा रही है। और इस हत्या के बाद हमने उसके जो परिजन है उसकी तरफ से एक FIR दर्ज किया है धारा 302 का, और मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। वो अति शीघ्र आरोपी हमारे कब्जे में होगा और
खुलासा फिर कम करेंगे। R9 भारत के लिए रवि सेन, दुर्ग, छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और स्वागत है आप सभी का R9 भारत में। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप R9 भारत को Facebook, YouTube और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं।